तो देखो, हम एयर प्रेशर को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है एयर प्रेशर और वो कैसे काम करता है, और उसकी ताकत को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आसपास जितनी भी एयर अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारे की सारी हमारे ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर। और वो प्रेशर होता है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें इसलिए फील नहीं होता बिकॉज अपना जो ब्लड प्रेशर है वो भी उतना ही है, तो वो इक्वल हो गया एंड अपोजिट हो गया, वो क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अपने को उतना फील नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास क्या है, एक मोमबत्ती, और ये मैं लेता हूँ एक गिलास, इसके अंदर अभी हवा है। अगर हम इसकी हवा को गायब कर देते हैं तो अंदर क्या आ जाएगी, हवा कम हो जाएगी या गायब हो जाएगी, मतलब अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और बाहर का प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं अपन, इसी का यूज करके क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को उठाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये वाली चीज़ें है ना, इनको ऐसे उठाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे उठेंगे उसको मैं एकदम डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ ये चीज़, बट ध्यान से देखिए, ये इसके ऊपर क्या बना हुआ है, सर्कल, तो ये इसका क्या हो गया, सर्कुलर मतलब एरिया हो गया एक तरीके से, तो उसको अपन यहाँ पे रखने वाले हैं। हम इतने एरिया की एयर को क्या करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है, अपन इस मोमबत्ती की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, जलाएंगे, जिससे क्या होगी, वो एयर कम हो जाएगी, गायब नहीं होगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक पेपर रख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे क्या हो जाए, उन दोनों के बीच में अच्छे से कॉन्टेक्ट बने। कॉन्टेक्ट बनने का मतलब क्या, अगर मैं पेपर नहीं रखूंगा ना तो हवा इधर से घुसने के उसके चांसेस हैं, है कि नहीं, बिकॉज ये एकदम सिमेट्रिक रूप से नहीं है। लेकिन अगर मैं पानी डाल के करूंगा तो उसमें क्या होगा, अच्छे से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जिससे हवा के घुसने की बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। ओके, तो मैं पहले थोड़ा सा पानी डालता हूँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा चिपक जाए अच्छे से। अब जलाओ इसको, ये आपका काम उठाने का है। ओके, हम ट्राई करेंगे कि जब इसको बंद कर दे तो इधर से कोई भी हवा इसके अंदर ना घुसे, ना, थोड़ा सा मैं इसको दबा के रखूँगा, थोड़ा सा मैं जोर लगाए, और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। हो गई बंद, हाँ। अब आप में से कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है, मेरे ख्याल से ये उठ जाएगी ट्रे, उठाओ, मैं ट्राई करूँ, हाँ आराम से करना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी नहीं, अभी ट्राई तो अब मानी जाएगी ना, ट्राई तो अब मानी जाएगी। अब उठाइए, आप उठाइए आराम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एयर प्रेशर का कमाल देख रहे हो, अगर आप चाहो तो और भी कुछ रख सकते हो। अब करो ट्राई, सब पानी से भरे हुए, आराम से आराम से। ये तो मेरी से ही नहीं उठ रहा वजन ज्यादा हो गया क्या? हवा घुस रही है अंदर, हवा अंदर जा रही है अभी थोड़ा थोड़ा, बिकॉज थोड़ी सी उसके बीच में जगह बन गई, तो अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये गिर जाएगा नीचे, क्योंकि हवा धीरे धीरे अंदर, लेकिन जब तक हवा अंदर नहीं जाएगी ये नहीं करने वाला भाई ना। तो समझ रहे हो एयर प्रेशर कमाल। अब आप जाके अपने स्थान पे बैठ जाइए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, अपने पास ट्रे है ना, और इस ट्रे के अंदर इस वाले इलाके में हमने थोड़ी सी एयर को गायब कर दिया, बाकी हर जगह एयर है। यहाँ एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, लगा रही है, नीचे से भी प्रेशर लगा रही है ना, लगा रही है, लेकिन इस इतने से एरिया के अंदर की एयर थोड़ी सी कम हुई है, उससे यहाँ का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम। अब देखिए इधर लगने वाला प्रेशर क्या हुआ, कम, अरे हुआ कि नहीं हुआ, यहां का प्रेशर कम है, लेकिन इस वाले इलाके में जितने में गिलास है उतने का प्रेशर क्या है, ज्यादा। इधर का क्या हो गया, कम, इधर का क्या है, ज्यादा। इसलिए ये जो प्लेट है वो इधर चिपकी हुई है ना, ग्रेविटी लग रहा है, mg लग रहा है, बट नीचे से एयर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। तुम समझ रहे हो ना एयर प्रेशर का कमाल। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो एटमोस्फेयर में जितने भी गैसें प्रेजेंट है उन सब का ये क्या हो गई, ट्रे हो गई इस तरीके की, ठीक है ना, नीचे से तो लग ही रहा है परंतु इस इतने एरिया के अंदर का प्रेशर कम हुआ है। बात समझ रहे हो, इधर से लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नीचे से ज्यादा लग रहा है। इसका mg अभी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ। लेकिन अगर अपन इसका मास बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने ज्यादा रख दिया था तो mg बढ़ा हुआ था, बढ़ रहा था, तो हो सकता है ये वाला और ये वाला मिलके इस वाले को क्या करते, काउंटर करते, तो हो सकता है नीचे गिर जाए, तब जाके गिरेगी, अन्यथा नीचे नहीं गिरने वाली। अरे बात समझ आ गई कि हाँ। तो अब होगा कैसे, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम ये एरिया निकाल सकते हो ना,
अरे ये कैसा है, सर्कल जैसा है ना? हाँ, तो ये कैसा है, सर्कल जैसा है। अब इस सर्कल का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया, जैसे इसकी रेडियस है तो इसका क्या आएगा, एरिया। वो एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकाल देते हैं, है कि नहीं। और अगर मुझे फोर्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से। अब देखिए प्रेशर जो था, इसके अंदर का प्रेशर कम हुआ है, नीचे का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो नेट प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, वैसे अगर देखो तो इस साइड में लग रहा है, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मैं प्रेशर डिफरेंस लिख दूंगा, पी टू माइनस पी वन, है कि नहीं, नीचे से लगने वाला और ऊपर से लगने वाला, गैस गायब नहीं हुई है इसके अंदर की, ओके, इन टू में एरिया। अब मान लेते हैं कि अगर अपन अंदर वाली पूरी को गायब कर देते तो क्या होता, तो पता है क्या होता है, तो नीचे से लगने वाला फोर्स ही काम में, वाला प्रेशर ही काम में आता फिर। और वो कितना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 10^5 इंटू में। एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ रही होगी, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, 3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास। अभी के लिए अपन मान लेते हैं कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या कर दें, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर नो, परंतु हमें मीटर स्क्वायर देखना है, तो 10^-2 नहीं 4 आएगा, 10^2 आएगा ना, हाँ, तो ये कितना आ गया न्यूटन। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो इधर कितना बच गया, 10 है ना, और ये लगभग कितना है, 3 को 9 से गुणा करोगे 27, 27 को 10 से गुणा करोगे तो लगभग कितना आ रहा है भाई, ये ऑलमोस्ट कितना आ गया, 270 न्यूटन। कितने का बल आया, 270 न्यूटन का आ रहा ना, तो लगभग 250 न्यूटन के आसपास का बल लग रहा है नीचे से। और इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, अरे लगभग 30 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं है इसका, इतना ही है ना। और mg, अगर इसका मास 1 kg होता, 1 kg होता तो कितना लगता, 10 न्यूटन का लगता, अरे लगता ना mg 10 न्यूटन, और ये कितना लग रहा है, 250 न्यूटन। इसलिए ये इतना ज्यादा फोर्स हो गया, इतना ज्यादा फोर्स हो गया कि इन सभी के सभी मास को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। और एक मैं कमाल बताता हूँ एयर प्रेशर का, जितने भी गाड़ियां होती है ना, कितनी भारी गाड़ियों देखो नहीं, बहुत बड़ा ट्रक होता है, वो ट्रक पूरा का पूरा किस में आ जाता है, हवा में आ जाता है, किसकी वजह से, एयर प्रेशर के। टायर के अंदर क्या डालते हैं, एयर ही डालते हैं ना, तो उस एयर प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा जो ट्रक है वो किस में आता है, हवा में। तो एयर प्रेशर बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको कैसे काम में लेना है ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, ओके।